क्या रखा है नौकरी में? चलो पहाड़ों में चलते हैं। ठंडी हवाएं, नो पोल्यूशन, अच्छा खाना, बस एक हॉस्टल खोलो, गरीबों को बेड दो और चिल करो यार। कैसा लगा मेरा आइडिया? अगर पसंद आया देन दिस इज द वीडियो फॉर यू। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिकोड द मैथ ऑफ ओपनिंग अ हॉस्टल दैट टू इन हिमाचल। हिमाचल में मेरे बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं। मुझे कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं चाहिए। इनफैक्ट तुम मेरे हॉस्टल के आस पास भी मत भटकना। सबसे पहले बात करते हैं लीज की, क्योंकि आप हिमाचल में प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकते हो। गेटिंग अ लीज इज द ओनली ऑप्शन। सो द रेंट ऑफ द प्लेस विल डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि एरिया कितना है प्रॉपर्टी का, आस पास कोई मार्केट है या नहीं है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो अगर हम कंसिडर करें 5 रूम की प्रॉपर्टी है और हर एक रूम का रेंट 10,000 रुपीज है पर मंथ, तो आपका ईयरली कॉस्ट पड़ जाएगा 6 लाख। तो एक बार लीज हो गई, उसके बाद यू हैव टू गेट सर्टेन लाइसेंसेस। हियर्स द लिस्ट। तो आपको ओवरऑल खर्चा टू गेट ऑल ऑफ दी सर्टिफिकेट्स वुड बी अराउंड 40,000। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट फन पार्ट। अब करीना तुमने मजे की बात। तो फिर आ गया, आई वाज टॉकिंग अबाउट डेकोर एंड सेटअप। यहाँ आपको सबसे ज्यादा झटका लगने वाला है कॉस्ट वाइज। इवन दो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको अपनी स्पेस कैसे डेकोरेट करनी है, देयर आर सर्टेन नेसेसिटीज दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, जैसे रूम के लिए बंक बेड्स, कॉमन एरिया के लिए सीटिंग एंड कैफे के लिए जो भी इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड है। अगर ऐसी जगह पर आपने हॉस्टल खोला है जहाँ पे गर्मियों के टाइम पे एसी की जरूरत पड़ती है, तो आपको उसका भी हिसाब लगाना पड़ेगा। फर्नीचर और अप्लायंसेस को सॉर्ट करने के बाद यू कैन थिंक अबाउट द डेकोर। अब आपके एक्सपेंसेस डिपेंड करते हैं कि आप कहाँ से सामान ले रहे हो, किस क्वालिटी का ले रहे हो। अगर आप किसी लोकल मार्केट से लेते हो तो आपको कॉस्ट थोड़ा कम पड़ेगा। तो अगर हम सब मिला लें, आपके फर्नीचर फिटिंग्स, आपके अप्लायंसेस एंड आपका डेकोर, योर ओवरऑल कॉस्ट शुड बी अराउंड 20 to 25 lakhs। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करते हैं। इसमें आपके स्टाफ की सैलरीज, वाईफाई बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, वाटर बिल सब आ जाएगा। अगर हम स्टाफ की सैलरीज देखें, इट शुड बी अराउंड 20,000 rupees पर मंथ। बाकी यूटिलिटीज शुड अमाउंट टू 10,000 to 12,000 पर मंथ। लास्टली कमिंग टू सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्योंकि एक नया बिजनेस है तो आपको एड्स भी रन करनी पड़ेंगी। सो योर बजट शुड बी अराउंड 1 to 1.5 lakhs एनुअली। हियर इज द एक्सपेंस ब्रेकडाउन। It requires a decent amount of money, so keep that in mind. Baki bahut sari cheeze depend karti hai ki location kya hostel ka, kitna tourist season rehta hai. So whenever you decide to take that plunge, acche se research karna and then dive in. Kyunki research karte karte mujhe to pata chal gaya ki main hostel mein rehna afford kar sakti hu. Well, open karna nahi.